कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए 22 मार्च को लॉकडाउन के बाद अचानक 14 अप्रैल तक 21 दिनों के लिए संचार बंदी कर दी गई, पर जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानें शुरू रखी गई है। सोशल मीडिया पर लगातार संचार बंदी के 3 महीने तक बढ़ने की अफवाहों के चलने की वजह से सामान्य नागरिकों से दुगना तिगना किराना सामान खरीदने लगे हैं। परिणाम स्वरूप बाजारों में तेल, शक्कर, आटे सहित कई किराना जैसे दाम बढ़ गए हैं और कई किराना जिसे बाजार से खत्म हो गए हैं। जीवनावश्यक वस्तुओं के बढ़ते हुए दामों को लेकर नागरिकों ने संबंधित अधिकारियों से कई बार शिकायत भी की। अब तक इस मुश्किल का कोई भी हल निकलते हुए नहीं दिख रहा है। बढ़ते दामों के इस विषय को लेकर किराना व्यापारी संगठन के पदाधिकारी सुनील दुबानी, संचालक श्री सुपर शॉपी हिंगनगाट, इन्होंने इस बारे में सविस्तर जानकारी दी है। बढ़ने के मुख्य कारण है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो दुगने तिगने हो गए हैं। उसके बाद में कृषि उत्पन्न बाजार समितियां बंद पड़ी हुई है, मालों की, कच्चे मालों की आवक जावक बंद पड़ी हुई है, दाल मिलें बंद पड़ी हुई है, और तीसरा है नागपुर की मंडी जहां से माल आता जाता है वो पूरा ही बंद लगा पड़ा है। इसी कारण वस्तुओं के दामों में असर गिर रहा है। और मेरी नागरिकों से अपील है कि जरूरत से ज़्यादा चीज़ों की खरीदी ना करें, जितनी ज़रूरत है उतनी ही चीज़ें लेवे, स्थिति जल्दी ही सामान्य हो जाएंगी और वस्तुओं के दाम खुद ब खुद ही सामान्य हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। हिंगनगाट से INBCN न्यूज़ के लिए रवि एनोडकर की रिपोर्ट।